द्वारा डीएम को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कोलकाता की घटना को लेकर मथुरा के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर रेप मर्डर घटना का किया विरोध। बैठक में डीएम को पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। मथुरा के डॉक्टर्स ने कोलकाता के डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात के विरोध में मथुरा में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस दौरान कामकाज सहित सभी ओपीडी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद कर दी। इसमें सभी यूनिटों ने घटना की निंदा की और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया तो तमाम सरकारी डॉक्टर सहित आईएमए ने ओपीडी सेवाएं बंद कर दी। डॉक्टरों ने कहा कि दोषियों को तुरंत फांसी और डॉक्टर के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कठोर प्रावधान होना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। ज्ञापन दिया गया। मैं पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है कि दी होमबर्थ मेडिकल सूचना ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट एचएमआई मथुरा मैं डॉक्टर जे एस जाट, जैसे कि आईएमए के संयुक्त तत्वाधान में हमने जो ज्ञापन दिया है वो एक्चुअली में पश्चिम बंगाल में जो चिकित्सक की पीजी की छात्रा जो थी उसके साथ में रेप करके उसकी हत्या की गई है, उसके विरोध में हमने यह ज्ञापन दिया है और मांग की है कि सभी चिकित्सकों को शस्त्र लाइसेंस निर्गत किया जाए। उस बेटी के नाम से एक वहाँ मेडिकल कॉलेज का नाम किया जाए, आरजी करके जगह पर उस बेटी के नाम से किया जाए या कोई कक्ष का नाम रखा जाए, उस बेटी को शहीद का दर्जा दिया जाए। क्या नाम है और आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? भैया मैं डॉक्टर शिपाली हूँ और आज हम सभी लोग आईएमए की तरफ से सारे डॉक्टर सोसाइटी पूरी डीएम ऑफिस के बाहर यहाँ जो अभी आरजी कर में जो रेप और मर्डर केस हुआ है उसके लिए ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और हम ही सभी लोगों का ये जो कहने का औचित्य है वो ये है कि जो कुछ भी वहाँ हुआ है जिससे सारा देश वाकिफ है बहुत खराब है, गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो लड़की वहाँ पढ़ने गई थी, वो अपने खुद के हॉस्टल डिपार्टमेंट में थी, वो वहाँ रोज रहती थी, काम करती थी, वो उसके दूसरे घर की तरह था। अगर आज के ज़माने में इतने साल इंडिपेंडेंस के बाद एक औरत अपने काम पे अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है तो वो कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। इस तरीके की हरकत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी चीज़ के लिए हम पूरी तरीके से उन लोगों के साथ हैं जो कलकत्ता में इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हमारा पूरा सपोर्ट है। जो मेडिकल कॉलेज में जो बीवस कांड हुआ था उसके विरोध में और उसके बाद में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे डॉक्टर्स उस पर जो हमला हुआ रात में उसके विरोध में, शासन व्यवस्था कितनी खराब हो गई है इसके विरोध में है, उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है जिस तरीके से ब्रूटल एक मर्डर किया गया, मर्डर एक लड़की का हुआ, डॉक्टर थी, ड्यूटी पर थी, इस तरीके से ड्यूटी करना काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार से मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन की व्यवस्था की जाए, उनको शस्त्र लाइसेंस दिए जाए और जो भी दोषी हैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग दोषी हैं, इवन प्रिंसिपल जो है कॉलेज का उस पर भी शक है, उन सबके विरुद्ध कार्रवाई करे। थैंक्स टू दी हाईकोर्ट जिन्होंने ये आदेश दिया, सीबीआई इंक्वायरी का जिन्होंने ये आदेश दिया, गवर्नमेंट की आलोचना भी की इस मामले में और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ अब उस जो लड़की चली गई इस संसार से उसको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये भी बात सही है कि इसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी आत्मा उस न्याय के लिए बिल्कुल प्रतीक्षा कर रही होगी। मैं समस्त देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाओं के विरोध में उठकर एक साथ खड़े हों और सरकार को इस बात के लिए बाध्य करें कि वो आगे इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से। हम आगे कुछ करेंगे, हम मार्च करेंगे, हम फिर हंगर स्ट्राइक करेंगे, हम सारे डॉक्टर्स दबाव बनाएंगे सरकार को। मांग नहीं माने जाने का तो मतलब ही नहीं है, सरकार को हमारी मांग को मानना ही पड़ेगा।